इंटरकोर्स के दरमियान वुमेन का एक्टिव रोल में आने से क्या फर्क पड़ता है? सोचो, आपको और आपके पार्टनर को एक अंधेरे रूम में रखा गया है और खाना दिया जाता है। खुद को खाना खाने की बारी आती है तब तो इजीली खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब बोला जाए कि पार्टनर को खाना खिलाना है, तब इनिशियल सर्च के बाद कौन से एंगल में जाके पार्टनर का मुंह किधर है वो ढूंढ के ही आप उनको खाना खिला सकते हो, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आने लगती है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो सेक्स की शुरुआत से लेके अंत तक की सारी जवाबदारी पुरुष के कंधे पर थी और फीमेल पैसिव रोल में रहती थी। अब तो ये सिनारियो काफी चेंज होने लगा है। अब जब वुमेन का इंटरकोर्स के दरमियान पेनिट्रेशन के वक्त एक्टिव रोल में आ जाने से फर्क ये पड़ता है, पहले तो वुमेन को पता होता है कि वजाइना का ओपनिंग किधर है, कौन से एंगल में इंसर्ट करना है, और तीसरी और बहुत बड़ी चीज ये है कि वुमेन को खुद को पता होता है कि वो कब रेडी है, और इससे पूरी प्रोसेस एकदम स्मूथ हैजल फ्री हो जाती है। दिस स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंस।